ओके तो भाई क्या रोमा रेंज एक लास्ट बार फिर से चैंपियन बन के अपने टाइटल रेन को कंटिन्यू एक बार कर सकते हैं? साथ ही साथ रोमा रेंज और सोलो सिकोवा का समर स्लैम के अंदर जो मैच होगा उसके अंदर क्या सोलो सिकोवा विन करके नया ट्राइबल चीफ बन सकते हैं? मैं आपके सारे सवाल का जवाब देने वाला वीडियो के अंदर, तो आइए हम शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला सवाल रेसल टॉकर की तरफ से निकल कर सामने है कि क्या रोमा रेंज अपना एक नया फिर से फ्रैक्शन बना सकते हैं, क्योंकि अब ब्लड लाइन करेंट है सोलो सिकोवा के पास। तो जिन लोगों को नहीं पता भाई, मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ, अब करेंट है ब्लड लाइन जो फ्रैक्शन है वो सोलो सिकोवा के पास जा चुके वाले। जब स्मैकडाउन को ड्राफ्ट भी कर रही थी तो यहाँ पर सोलो सिकोवा का फ्रैक्शन को उन्होंने द ब्लड लाइन करके नाम दिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब जब रोमा रेंज वापस आएंगे तो भाई अपना वो फ्रैक्शन का नाम द ब्लड लाइन फिर से नहीं रख सकते, क्योंकि भाई द ब्लड लाइन फ्रैक्शन के नाम से मतलब अब सोलो सिकोवा करेंट में जाने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भाई रोमा रेंज जब वापस आएंगे तो भाई मेरे ख्याल से रोमा रेंज एक नया ब्लड लाइन नहीं बनाने वाले। रोमा रेंज जो उसको जिमो उसको पॉल हेवन से सारे लोग फिर से पहले के जैसा एक साथ मिलने वाले। मे भी भाई इनके टीम के अंदर एक और बंदा इन्वॉल्व हो सकता है जो कि सैमी जेन बहुत पहले ब्लड लाइन के अंदर थे। ये सारे लोग मिलकर ब्लड लाइन के अगेंस्ट फाइट करने वाले, इनका फ्रैक्शन काफी सारे ब्लड लाइन ही नाम। आप लोग ऐसा समझो कि ब्लड लाइन फ्रैक्शन और कौन सा बंदा रियल लीडर है, मतलब इसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में फाइट होगा। अगर रोमा रेंज मैच के अंदर विन कर जाता है तो रोमा रेंज का फ्रैक्शन रियल ब्लड लाइन होगा, अगर सोलो सिकोवा विन कर जाता है तो सोलो सिकोवा का फ्रैक्शन रियल ब्लड लाइन। मेरे ख्याल से भाई ऐसा नहीं होने वाला कि रोमा रेंज एक नया फ्रैक्शन बना उसका अलग नाम दे। स्टोरी भाई बिल्कुल सेम होने वाला, रोमा रेंज के साथ साथ से पॉल हेवन ज्वाइन कर सकते, जे उसको ज्वाइन कर सकते, जिम उसको ज्वाइन कर सकते। तो देखते हैं भाई एक्जेक्टली क्या होता है। डब्ल्यू वाले भाई समर स्लैम के दौरान रोमा रेंज और सोलो सिकोवा के मैच का प्लानिंग कर रहे हैं। समर स्लैम के अंदर दोनों के बीच में मैच होगा जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कौन है रियल वाला असली वाला ट्राइबल चीफ। इस मैच के अंदर भाई बहुत ड्रामा होने वाला है जिसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। देन इस बार नेक्स्ट सवाल नट के तरफ से निकल कर सामने आता है जिनका ये सवाल है कि क्या सीएम पंक फिर से टाइटल विन कर सकते हैं? डेफिनेटली भाई मेरे ख्याल से सीएम पंक भाई जब वापस आने वाला है तो डेफिनेटली भाई एक साल या फिर दो साल के अंदर टाइटल विन करने वाला है। हम लोग प्रैक्टिकली देखे तो रोमा रेंज और ब्रॉक लेसनर के बाद सबसे बड़े रेसलर करंट में सीएम पंक ही है। ये मतलब भाई इंजरी से रिकवर करने के बाद मतलब एज ए रेगुलर फुल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी 3 से 4 साल अभी काम करने वाला, क्योंकि भाई ये हॉलीवुड के अंदर जाने नहीं वाला। डेफिनेटली भाई मेरे ख्याल से सबसे पहले ड्रू मैकइंटायर इनका मैच होने वाला, उसके बाद शायद से टाइटल रेन के अंदर फिर से आ सकते हैं। अभी सीएम पंक का भाई लिटरली बहुत सारा रिवलरी वाकई है, सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स का, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का, सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज का, इनका भाई बहुत सारे रिवलरी वाकई। तो भाई टाइटल रेन तो मतलब जरूर से इनका हमें देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए आप लोग अपने माइंड में रखिए कि समर स्लैम के अंदर आपको सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिलने वाला है। इस मैच से पहले भाई हो सकता है ड्रू मैकइंटायर हैवीवेट चैंपियन बन भी जाए डेवन प्रीस्ट को हरा के, फिर नहीं भी बने। डेवन प्रीस्ट का भाई जो टाइटल रेन है मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले से बहुत ज्यादा लंबा नहीं टिकाने वाला। जो भी रेसलर मनी इन द बैंक कैश इन करता है डब्ल्यू वाले जनरली उसका टाइटल रन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करती। जब समर स्लैम के अंदर इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिलेगा तो मे बी इस मैच के अंदर ड्रू मैकइंटायर चैंपियन भी बन सकते हैं। एग्जैक्टली भाई अभी समर स्लैम होने में काफी लंबा वक्त बचा हुआ है, तो मतलब हम लोग कुछ कह नहीं सकते। देन इसका नेक्स्ट सवाल इस्लामिक की तरफ से निकल कर सामने है जिनका ये सवाल है कि क्या जेउसो हैवीवेट या फिर यूनिवर्सल चैंपियन फिर से बन सकते हैं? यार देखो जेउसो का भाई मैच तो मतलब इस बार का हमें बैकलैश के अंदर ही देखने को मिल रहा है डेवन प्रीस्ट के अगेंस्ट। पर भाई ये जो मैच है इसका बैटिंग और जो निकल कर सामने है वो सच में भाई मतलब दिमाग सबका हिला दिया है। लिटरली इस मैच के अंदर विन करने का जेउसो को कोई भी चांसेस नहीं। करंट टाइम में डेवन प्रीस्ट -4000 पर फेवरेट में चल रहा है। आप लोग को लग रहा होगा ऐसा देखने की भाई जेउसो बहुत ज्यादा ऑडियंस के बीच में पॉपुलर हो चुके हैं, ब्लड लाइन के साथ पिछले 2 साल से रहे तो इनको चैंपियन बना देना चाहिए। पर भाई ऐसा नहीं होता भाई, आप किसी भी रेसलर को मेन टाइटल के अंदर नहीं डाल सकते। आप लोग खुद समझो भाई जेउसो अपने 12-13 साल के रेसलिंग करियर में सिर्फ मतलब टैग टीम चैंपियन बने हैं, उसके अलावा कोई और चैंपियनशिप विन नहीं। डब्ल्यूई वाले भाई एटलीस्ट इनको सबसे पहले मिड कार्ड चैंपियनशिप इनके हाथ में देने वाले, उसके बाद मतलब ऐसे हैवीवेट चैंपियनशिप। मेरे ख्याल से भाई मुझे बहुत कम मुझे चांसेस लगता है ऐसा हो सकता। रिपल जैसे रेसलर भाई खासकर जेउसो जैसे रेसलर को इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने। तो मेरे ख्याल से भाई जेउसो बस ऑडियंस के बीच में फेवरेट ही बनकर रह जाएंगे, इनके साथ बहुत कुछ नहीं होने वाला। आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जेउसो को भाई डब्ल्यू वाले हैवीवेट चैंपियन बना देगी, टॉप का रेसलर बना देगी, तो ऐसा नहीं होने हो सकता है। जब रोमा रेंज जब चले जाओ जेउसो का इसी तरीके का परफॉर्मेंस रहे तो भाई मे बी पॉसिबल हो सकता है, पर करेंट टाइम में ऐसा बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आज करेंट टाइम में सोलो सिकोवा डब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक भी टाइटल नहीं विन किया, उसके बावजूद भी मैं सोलो सिकोवा को लेकर मैं मान सकता हूं, क्योंकि भाई सोलो सिकोवा एक अलग लेवल के रेसलर है। डब्ल्यू वाले इनको पुश करने वाले ये न्यू रेसलर है। भाई मेरे ख्याल से जेउसो जैसे रेसलर को पर डब्ल्यू वाले बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करने वाले। इस बार नेक्स्ट बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या रोमा रेंज वापस आकर फिर से चैंपियन बन सकते हैं, पहले के जैसा फिर से टाइटल रेन को कंटिन्यू कर सकते हैं? देखो डेफिनेटली भाई अभी रोमा रेंज फिलहाल के लिए फुल टाइम हॉलीवुड के अंदर जाने नहीं वाले, डब्ल्यूई कंपनी के अंदर ही रहने वाले। अभी भाई फिलहाल के लिए आपको रोमा रेंज का टाइटल रेन अभी 1 से 2 आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं। रोमा रेंज भाई मतलब इस बार चैंपियन अगर बनते हुए तो भाई मेरे ख्याल से किसी छोटे रेसलर से अपने टाइटल को हार जाने वाले, जैसे रोमा रेंज चैंपियन बने सोलो सिकोवा अगर आकर उनको चैलेंज करते हैं तो भाई सोलो सिकोवा से शायद रोमा रेंज हार जाएंगे, क्योंकि भाई सोलो सिकोवा एक न्यू रेसलर तैयार होने वाले हैं, मतलब इसलिए रोमा रेंज भाई उनसे हार जाएंगे। सिमिलर भाई रोमा रेंज कोडी रोड्स से क्यों हारे, क्योंकि भाई कोडी रोड्स न्यू रेसलर बनने जा रहे हैं। आप लोग ऐसा मत अज्यूम करना शुरू कर दो कि रोमा रेंज का टाइटल रेन पहले के जैसा देखने को मिलेगा, पहले के जैसा मतलब पूरा डोमिनेट करने वाला अपना फ्रैक्शन फिर से बनाने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। अगर ये टाइटल विन भी करते हैं तो बहुत जल्दी हार जाएंगे। देन इसका नेक्स्ट सवाल प्रथम सिंह की तरफ से निकल कर सामने है जिनका ये सवाल है कि क्या विंस मैकमहन सच में अपना एक कंपनी खोलने वाले, जैसा विंस मैकमहन के बारे में न्यूज निकल कर सामने आ रहा है। तो यार अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो भाई देखो विंस मैकमहन
मेगन भाई है तो सन की। आज सुबह मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी विंस मेगन के ऊपर अपलोड किया। ये बंदा जो चीज ठान लेता उस चीज को एक करके रहता हूँ। अभी भी मतलब विंस मेगन भाई आराम से अभी बैठे हुए नहीं। विंस मेगन अभी करंट टाइम 78 के, अभी से एक साल पहले तक ये रोमन रेंस को सारा गाइड वगैरह सारा चीज कर रहे हैं। आज भले ही डब्ल्यू वाले ने इनको अपने कंपनी से बाहर निकाल दिया, पर भाई आज के टाइम पर भी मतलब आज के एक साल पहले पूरे डब्ल्यू कंपनी को अकेला मतलब कंट्रोल किया करते थे। भाई परसों क्या न्यूज निकल कर सामने आया था, विंस मेगन और शायद से निक खान दोनों भाई अपना सारा शेयर को निकाल चुके हैं डब्ल्यू कंपनी। और उसके बाद जो रूमर आ रहा है शायद से मतलब अपना एक नया रेसलिंग कंपनी शायद से स्टार्ट कर सकते हैं। सच में मैं तो इस बात पर बिलीव करता हूँ कि भाई विंस मेगन सच में एक रेसलिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। वही बात है भाई, इनके कंपनी में कोई बड़े बड़े रेसलर जाते हुए नहीं दिखने वाले। उसके पीछे का भाई सबसे बड़ा रीजन है कि भाई पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में सबको पता है कि विंस मेगन कितना मतलब रेसलर को टॉर्चर करते हैं। यानी ओमेगा जैसा टॉप के रेसलर हमें डब्ल्यू कंपनी के अंदर हमेशा इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि वो विंस मेगन से बहुत ज्यादा डरा करते थे। इनफैक्ट भाई आज ही गुंथर ने स्टेटमेंट दिया कि विंस मेगन से मैं इतना डरता था कि मैं डब्ल्यू कंपनी के अंदर कभी आने के लिए सोचा भी नहीं था। ट्रिपल एच डब्ल्यू कंपनी को चलाया तब मैं डब्ल्यू कंपनी के अंदर आने के लिए सोचा, आज मतलब करंट टाइम में स्टेबल हूं। लोग इनसे एक्चुअली इतना डरते हैं कि भाई उतना तो सक्सेसफुल इनका कंपनी होने नहीं वाला मेरे ख्याल से जहां तक मेरा ख्याल है। भाई उसके बावजूद भी भाई शायद से विंस मेगन कंपनी खोलने वाला क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा सन की है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल दीपेश की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल कि क्या ऐसा हो सकता है समर स्लैम के अंदर सोलो सिकोवा क्लियर तरीके से रोमन रेंस को हरा दे, खुद को नया ट्राइबल चीफ बना। तो यार देखो भाई डेफिनेटली भाई एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सोलो सिकोवा रोमन रेंस को हराएंगे, सोलो सिकोवा रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से भगाएंगे। पर मेरे ख्याल से भाई वो चीज समर स्लैम के अंदर नहीं होने वाला, समर स्लैम के बाद किसी रेसलमेनिया के अंदर शायद से ये चीज होगा। आप लोग को लग रहा है कि भाई सोलो सिकोवा करंट टाइम में सबसे मेन कैरेक्टर है, पर भाई सोलो सिकोवा को एक मोहरा बनाया जा रहा है। रियलिटी में सोलो सिकोवा ब्लडलाइन का कंट्रोल नहीं कर रहा, रियलिटी में रॉक ब्लडलाइन को कंट्रोल कर रहा है। वाले का भाई करंट टाइम मेन मोटिव सोलो सिकोवा रोमन रेंस का रिवलरी दिखाने का नहीं, इनका मेन जो मोटिव है रोमन रेंस और रॉक के मैच को रेसलमेनिया 41 के लिए सेट कर रहे हैं। धीरे धीरे भाई आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक्चुअल सोलो सिकोवा रोमन रेंस को डिथ्रोन करेंगे। मेरे ख्याल से अभी वो चीज नहीं होने वाला, अभी रॉक भाई इन्वॉल्व होने वाला है रोमन रेंस के साथ स्टोरी लाइन। लेयर धीरे धीरे भाई खुलते हुए आपको देखेगा समर स्लैम से साथ से स्टोरी स्टार्ट होने वाला है। समर स्लैम के अंदर अगर डब्ल्यू वाले रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के मैच को करवाती हुई तो भाई मेरे ख्याल से इस मैच का एंडिंग ट्विस्ट के साथ एंड होने वाला है। सोलो सिकोवा कभी भी क्लियर तरीके से रोमन रेंस को हराने नहीं वाले। रोमन रेंस भाई कोडी रोड से हारकर सबसे फर्स्ट टाइम समर स्लैम के अंदर आए होंगे मैच रेसल करने के लिए। रीजन है कि भाई रॉक के लिए इनको प्रिपेयर करना है, तो डब्ल्यू वाले भाई इनको हरवा नहीं सकते। भाई धीरे धीरे आपको ब्लड एंड का सारा स्टोरी खुलते हुए देखेगा समर स्लैम के। इसके बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या हमें रोमन रेंस हमें बैकलैश के अंदर देखने को मिल सकते हैं। देखो भाई रोमन रेंस भाई आपको बैकलैश के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, ये चीज कंफर्म है क्योंकि भाई अभी रोमन रेंस के लिए कोई प्लान ही नहीं बैकलैश को लेकर। समझो भाई रोमन रेंस भाई अभी से वापस आकर क्या करेंगे, क्या वो मनी इन द बैंक विन करेंगे, फिर सोलो सिकोवा के साथ रिवलरी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। डब्ल्यू वाले भाई बहुत अच्छे तरीके से सोलो सिकोवा को बिल्ड करे, तो अभी डब्ल्यू वाले समर स्लैम तक सोलो सिकोवा को बिल्ड करने वाले। अभी आपको सोलो सिकोवा का रिवलरी आपको अभी रैंडी ऑर्टन के साथ देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे रेसलर के साथ देखने को मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग ऐसा मत सोचो कि रोमन रेंस का आपको वापसी इतना जल्द देखने को मिलेगा। रोमन रेंस भाई 4 सालों बाद अपने टाइटल रेन को एंड, एटलीस्ट डब्ल्यू वाले भाई उनको थोड़ा सा टेलीविजन से ऑफ देने वाले, मतलब खुद को प्रिपेयर करने के लिए। साइड देखे तो भाई डब्ल्यू वाले इसी बीच भाई सोलो सिकोवा को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिर से दिखा देंगे। वैसे आप लोग शायद से ऐसा मान सकते हो कि हमें शायद से जिमी उसो का हमें रिटर्न इस बार का बैकलैश के अंदर देखने को मिल सकता है। जिमी उसो का जो इंजरी है उतना ज्यादा बड़ा नहीं, जिमी उसो शायद से आकर मतलब अटैक कर सकते हैं वापस से सोलो सिकोवा। रोमन रेंस भाई अभी फिलहाल के लिए नहीं आने वाला, मैं भी ऐसा नहीं चाहता कि रोमन रेंस का रिटर्न इतना जल्दी हमें देखने को मिले। थोड़ा सा भाई ऑडियंस को तरसने दो, जब रोमन रेंस वापस आएंगे तब मतलब ऑडियंस और भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। वैसे आज के क्यूएनए वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं, तो भाई अगर आप लोग अपना सवाल नहीं पूछो तो भाई सारे लोग सवाल पूछना मत भूलिएगा। साथ ही साथ भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन लोगों को मेरे से बात करना है सारे लोग भाई इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।